ड्रामा सिर्फ बिरूही के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे। इर्तिजा को बार बार सबीन का ही ख्याल आता है। जब वो अगले दिन दोबारा उसी स्कूल में जाता है तो सबीन उसे वहाँ देखते ही इर्तिजा को इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन इधर इर्तिजा की पूरी कोशिश होती है कि वो सबीन से बात कर सके। वो खुद सबीन से कहता है कि अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कर सकता हूँ आपसे। सबीन कहती है कि जी कहें। इर्तिजा आगे से कहता है कि उस दिन जब मैंने आपको पहली दफा देखा तो ऐसा लगा जैसे मुझे आपकी तलाश थी। कुदरत को जैसे मेरे जज्बों की सच्चाई भाग गई और शायद इसीलिए हम दोनों की मुलाकात इस तरह से हुई। अगर और कुछ नहीं तो हम दोस्ती तो कर ही सकते हैं। इर्तिजा सबीन के सामने अपनी असलियत नहीं खोलता कि वो कितने अमीर घराने से ताल्लुक रखता है, क्योंकि उसे ऐसे ही लगता है कि अगर वो इसके बारे में जान गई तो वो उससे दोस्ती नहीं कर पाएगा। इर्तिजा को तो ये बात मालूम ही नहीं कि सबीन भी उसके बारे में ही सोचना शुरू कर देती है। क्या कमरान के होते हुए सबीन और इर्तिजा एक हो पाएंगे? कमरान तो हर कीमत पर सबीन को हासिल करना चाहता है। ड्रामा सिर्फ बिरूही की आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं।